हाँ जो हमारी है ना दैट इज एक्सरसाइज 7.4 है ना, तो 7.4 में हम लोग ने किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो जो आज का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बोलना बेटा क्या है? 4x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 डिवाइडेड बाय, हां बेटा, अंडर रूट 2x² प्लस x - 3 इनटू dx। जब बेटा आप लोगों के पास शायद इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, ऊपर भी एक पॉलीनोमियल दी होगी से दिस लाइक दिस, जिससे क्वेश्चन लाइक दिस p(x) डिवाइडेड बाय q(x) इनटू dx। व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ दिस फॉर्म p(x) डिवाइडेड बाय q(x), या शायद यू कैन से इट इज लीनियर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, या सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इनटू dx, लीनियर पॉलीनोमियल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसमें सिंपल फंडा याद रखना, आप लोग काम करना, जो लीनियर है ना आपके पास लीनियर पॉलीनोमियल दैट इज p(x) है ना, इसको इक्वल ले लो बराबर सम कांस्टेंट a d/dx ऑफ q(x) क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का प्लस सम कांस्टेंट b। रूल याद रखना, व्हेन यू हैव अ पॉलीनोमियल आपको भी आएगा ताबीर में लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, वेदर क्वाड्रेटिक इज इन स्क्वायर रूट और नॉट, देन वी कैन टेक इट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वी आर मेकिंग अ सब्स्टिट्यूशन, हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन में करेंगे इसमें, दैट सब्स्टिट्यूशन दैट इज p(x) को हम लेंगे बराबर सम कांस्टेंट a डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल प्लस सम कांस्टेंट b। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ x बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, एंड वी कैन गेट द सॉल्यूशन है ना। अब आपका क्वेश्चन है इसी को करेंगे, आप लोगों ने कहा सर हमारे पास इस वक्त है 4x + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस x - 3 इनटू dx। तो शायद एज पर यू पीपल आपने कहा 4x + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स d/dx ऑफ, हां बेटा बोलना, 2x² प्लस x - 3 प्लस सम कांस्टेंट b, और कहा ये ना, तो आपने कहा 4x + 1 इज इक्वल टू सम a 4x है बेटा प्लस 1 इसकी डिफरेंशिएशन प्लस b। तो आपने कहा कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x बोथ साइड्स, तो यहां से x का कोएफिशिएंट क्या है 4 इक्वल टू, यहां से x का कोएफिशिएंट है 4a है ना, दैट इज 4a, तो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कितना मिला शायद आपको 1। आपने कहा टेकिंग कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, टेकिंग कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, यहां पर कांस्टेंट क्या है 1 इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट कितना है a * 1 दैट्स a + b, b भी कांस्टेंट a भी का है ना बेटा। आपने कहा सर b का वैल्यू आएगा 1 - a, किसी को पता है a का वैल्यू कितना था 1, तो b का वैल्यू आएगा 0 है ना। तो आप लोगों ने कहा सर जो हमारा क्वेश्चन है ना दैट चेंज लाइक दैट, आप लोग लिखो ये बेटा पहले, शायद बोलना आप लोगों का जो क्वेश्चन है फरकान, योर क्वेश्चन इज दिस, आपने कहा नाउ जो सर 4x + 1 है ना, इसको हमने लिखा था a टाइम्स d/dx ऑफ क्या बेटा 2x² प्लस x - 3 प्लस b है ना। अब सर जब हमने सॉल्व किया 4x + 1 इक्वल टू ये मिला हमें a का वैल्यू 1 मिला d/dx ऑफ 2x² प्लस x - 3 प्लस b का वैल्यू मिला 0। तो बेटा जो क्वेश्चन है आपने कहा देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 डिवाइडेड बाय क्या है क्वेश्चन 2x² - 3 इक्वल टू dx, इसको हम लिख सकते हैं 1 इनटू डिफरेंशिएशन है ना 1 इनटू, तो ये बार कहा आपने 4x + 1 डिवाइडेड बाय सर 2x² प्लस x - 3 इनटू dx, ये बन गया ना आपका क्वेश्चन, क्योंकि b का वैल्यू 0 है इसकी डिफरेंशिएशन ये है ना क्वेश्चन, तो अब ये ना 4x + 1 इनटू dx इसकी जगह क्या लिखा हमने, इसकी डिफरेंशिएशन वही भी लिखा ना 4x + 1 डिवाइड बाय dx, मेरे जो आपका क्वेश्चन था ही है ना। अब आप लोग कह रहे हैं कि सर अगर हम नीचे वाले को पुट करेंगे तो ऊपर वाला खुद ही मिल रहा है ना, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, तो ये बनेगा क्वेश्चन चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ p पक्का, क्योंकि जो ये है ना ये इसकी डिफरेंशिएशन ही है ना dt डिवाइड, तो ये बनेगा t रेज पावर -1/2 इनटू dt है ना शायद, this is becomes 1/2 t raise power 1/2 oh shit sorry, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इसकी आएगी t raise power 1/2 divided by 1/2 t raise power 1/2 divided by 1/2 plus constant है ना power plus 1, this is 2 times root t plus constant c,
दिस इज इक्वल टू टाइम्स रूट तो है ही, टी का वैल्यू क्या है आपके पास 2x - 3x - dx तो जोर जैसे आप लोगों ने फुरका क्वेश्चन देखा ना, दिस इज लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक, ये आना है दिस इज लीनियर डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक। तो जोर आप लोगों ने कहा सर हमारे पास रूल है ये, हम लिखेंगे p ऑफ x इक्वल टू a टाइम्स d बाय dx ऑफ q ऑफ x, यही है ना बेटा, प्लस कांस्टेंट b a ताबिश। आप लोग देखो p ऑफ x - 5x - 2 इज इक्वल टू a, तो अपना इसी d by dx आ 1 plus 2x plus 3x square plus constant b, isn't it? This is 5x minus 2 is equal to a times 2 plus 6x plus b, है ना? इसके बाद क्या करते हो आप, compare coefficient of x both sides, x का coefficient, यहाँ x का coefficient कितना है 5, यहाँ पर आएगा 6a, है ना? तो आप लोगों ने कहा a का value है 5 by 6, मिलाना a। इसके बाद आपने कहा कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, कांस्टेंट टर्म्स बोथ साइड्स, हाँ शायद यहाँ कांस्टेंट क्या है माइनस टू इज इक्वल टू टू ए प्लस बी, है ना? आपने कहा माइनस टू इज इक्वल टू टू इंटू ए का वैल्यू फाइव बाई सिक्स प्लस बी, है ना? टू वन हजार टू थ्री हजार, तो आपने कहा सर जो बी का वैल्यू आएगा ना, दैट इज माइनस टू इज इक्वल टू फाइव बाई थ्री प्लस बी, तो b का वैल्यू आएगा माइनस टू माइनस फाइव बाई थ्री, है ना? दैट इज माइनस अलेवन बाई थ्री, दैट इज माइनस अलेवन बाई, तो अब a का वैल्यू भी मिला b का वैल्यू भी मिला। सभी लोग देखिए ध्यान से, जो आपका क्वेश्चन था ना ये, दिस चेंज लाइक दिस, a a का वैल्यू कितना है फाइव बाई सिक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो आपने कहा शायद वो टू प्लस सिक्स एक्स है सर, प्लस कांस्टेंट b, उसका वैल्यू कितना है माइनस अलेवन बाई थ्री। तो बेटा जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहा इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एज इट इज, सर ऊपर 5 बाई सिक्स और 2 प्लस 6x एज इट इज, माइनस सर 11 बाई 3 एज इट इज, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर होल dx। तो जो पहली वाली टर्म है इसमें 5 बाई सिक्स का इसको अलग करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर माइनस 11 बाई 3 डिवाइडेड बाय दिस। तो आप लोगों ने कहा जो ऊपर है ना, ये इसकी डिफरेंशिएशन है, ये बनेगा dt बाय t, और इसको करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला से फिर सॉल्व, ठीक है? राइट डाउन दिस, तो इसके आगे मैं दिखाऊंगा, ठीक है? विद दिस यू फिनिशेस द एक्सरसाइज। तो बोलना बेटा, तो आपका क्वेश्चन चेंज होगा, 5 बाय 6 आपने बाहर निकाला, दिस इज 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx अलग से, माइनस 11 बाय 3 dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अलग से, है ना? तो शायद आपने कहा दिस इज 5 बाय 6 सर, ये dt बाय t बनेगा। ए बेटा जिससे इंपॉर्टेंट साइज हो, जिसे डी टी बाई टी आपको पता है, ये उस डिफरेंस है ना, माइनस सर 11 बाई 3 एज इट इज, डी एक्स जो इसको लिखे हम 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कल वाला क्वेश्चन है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म स्क्वायर में है, दिस इज 5 बाई 6 लॉग टी एज इट इज, माइनस 11 बाई 9 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 एक्स प्लस 1 बाई 3, यहां तक क्लियर है ना? दिस इज 5 बाई 6 लॉग ऑफ टी, टी का वैल्यू है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना? माइनस 11 बाई 9 एज इट इज, इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर से, डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 3, है ना? प्लस 1 बाई 3 का होल माइनस करेंगे 1 बाई 3 का होल माइनस 1 बाई 9 प्लस आएगा 1 बाई 3, है ना? तो आपका क्वेश्चन चेंज होगा लाइक दिस, ये तो यहां तक सॉल्व है, माइनस 11 बाई 9 एज इट इज, किसको आपने लिखा है dx डिवाइड बाय x प्लस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, इज इट इट माइनस, ये कितना बनेगा अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई, बनेगा 3 डिवाइड बाय दैट इज 2 बाई 9 That is plus root 2 divided by 3 का होल, ये तो फार्मूला है tan इनवर्स की, तो आपने कहा माइनस 11 बाय 9 एक्स इज दिस 1 बाय a, दैट इज 1 डिवाइड बाय रूट 2 इनटू दिस, है ना? tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस कांस्टेंट c, 3 1 जा 3 3 जा, दैट इज माइनस 11 डिवाइड बाय 3 रूट 2 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाय रूट 2 प्लस कांस्टेंट c। बेटा राइट डाउन दिस और